हेलो दोस्तों, जागरण जोश के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ शारदानंद। हम लोग आज बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की। इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे, आपको मैं बताऊंगा सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक वन क्या था, सर्जिकल स्ट्राइक टू क्या है और इससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ है। क्या भारत ने अपने रुख में कोई बदलाव किया है या फिर किस रणनीति के तहत पाकिस्तान के अंदर घुसे जो भी आतंकवादी है, वहाँ से जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर अचानक ये हमला कैसा, सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक है क्या। सिंपल सा दोस्तों मतलब है, सर्जिकल स्ट्राइक इज अ सर्जिकल प्रिसीजन, यानी बिल्कुल ही प्रिसीजन के साथ आप अपने दुश्मन के ठिकानों पर अटैक करते हैं और वो एक प्रिसीजन इतना पिन पॉइंटेड होता है कि जहां आप चाहते हैं बस वहीं पे आप बॉम्ब गिराते हैं, उसी को मारते हैं और जिसमें अगल बगल के किसी भी चाहे लोग रह रहे हो, मकान हो, उनको क्षति ना पहुंचे, ना ही आपका कोई कोलेट्रल डैमेज हो या फिर अगर डैमेज होता है तो वो मिनिमम हो या ना के बराबर हो। तो ये एक पूरा संबंध है, ये एक पूरी बात है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। अगर भारत के परिपेक्ष में हम बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है ये ऐसा सैन्य हमला था जिसमें किसी खास लक्ष्य को निशाना बनाया गया, या फिर ये कहें कि ये एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई होती है और जिसका मैंने कहा जिसका एक निश्चित लक्ष्य होता है और जहां पे आप अटैक करते हैं बिल्कुल ही पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ, जहां पे कोई भी इधर उधर की आप गलती नहीं कर सकते, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही गंभीर होता। और इसी के लिए भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है वो बिल्कुल ही प्रिसीजन के साथ किया है, कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ है, कोई हमारे जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, वो मारे नहीं गए इस हमले में। तो ये एक इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक फॉर्म है कि आप अपने दुश्मनों पे किस तरह रिटेलिएट करें विदाउट एनी कोलेट्रल डैमेज। बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के मायने क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत ने अपना रुख बदला। क्या रुख बदला? जो पहले एक फ्रेंडली स्टेट के रूप में देखा जाता था कि आप इसको जब चाहो इस पे अटैक कर दो, जब चाहो पत्थर फेंक दो, जब चाहो आपके आतंकवादी सीमा में घुस के मार देंगे, जब चाहो आपकी मर्जी से यहाँ बात शुरू हो जाएगी, आप जब चाहो टॉक डिप्लोमेसी शुरू कर दो, आप जब चाहो आप यहाँ अमन की आशा वाला मूवमेंट चला दो, तो ये सारी ही चीज़ें जो थी ये एक भारत को देखा जाता है कि ये एक तरह का सॉफ्ट स्टेट है। लेकिन अब जब हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि वो जो सॉफ्ट स्टेट का जो हमारे पास एक लेवल लगा हुआ था, हम वहाँ से आ गए हैं टफ या फर्म स्टेट की तरफ, जहाँ पे आप जैसी बात हमसे करेंगे हम उसी लहजे में बात करना जानते हैं और उसी लहजे में आपको जवाब दिया जाएगा। एक और भारत की जो थी, जो इसके जो एक नया मायना आप समझ सकते हैं कि LOC पे एक पुराना स्टेंस था, नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज और नो फर्स्ट क्रॉस द बॉर्डर, द क्रॉस द LOC और बॉर्डर, इसको इसने तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि भारत कहता है कि भाई हम अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का अधिकार हमारे पास है और वो दुश्मन यदि आपके घर में घुस के बैठे हैं तो हम उसे मारेंगे। तो ये जो बदलाव आया है भारत के रुख में या स्वरूप में, तो आप कह सकते हैं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है तो उसमें भारत ने अपने पुराने जितने भी रिकॉर्ड थे, जो भी उनकी कूटनीतिक या रणनीतिक जो भी काम हो रही थी, उससे एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट हुआ है, स्ट्रेटजिकली बोले, टैक्टिकली बोले। बात सर्जिकल स्ट्राइक वन की, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये रुख में परिवर्तन क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा सर्जिकल स्ट्राइक वन कब और कैसे। साल 2016, दिन 18 सितंबर, उरी के जवान के सैनिक का जो कैंप है उसके अंदर चार पाकिस्तानी आतंकवादी घुसते हैं और वो हमारे 12 से 15 हमारे जो जवान हैं उनको मार गिराते हैं। हालांकि इसके बदले में इनके चारों पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो मर जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि 2 दशकों में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर ये सबसे घातक हमला था, ये इतना घातक था अपने डिवेस्टेशन में, अपने प्रकृति में। और इस हमले का बदला लेना तो ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने आपके घर में आपके सैनिकों के कैंप पे हमला किया, आपके 10-12 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, तो इसका जवाब क्यों ना होता। 18 सितंबर से 11 दिन, 29 सितंबर का टाइम था और हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो आर्मी के लगभग 40 जवान
LOC पार करते हैं और वहां घुस के वो जो जितने भी टेरर कैंप्स हैं वहां पे सीधे सीधे अटैक करते हैं। 4 घंटे का ऑपरेशन चलता है और 4 घंटे में वो वहां पे बहुत ही भारी बर्बादी करके जो आतंकवादियों के कैंप है, जो उनके लॉन्च पैड हैं, उसको POC में मार गिराते हैं। तो ये था सर्जिकल स्ट्राइक। इन 4 घंटों में हमारे जवानों ने, हमारे जो आर्मी थे, उन्होंने एक भी जवान नहीं खोया। लेकिन LOC तक पहुंचे कैसे? इन्हें एयर ड्रॉप किया गया था LOC के पार, फिर वो यहाँ से इनके कैंप पे गए, भीषण गोलाबारी हुई, नस्त नाबूद करके वापस 4 घंटे के भीतर हवा के झोंके की रफ्तार से गया और बाहर आया, विथ अ लाइटनिंग स्पीड हम कह सकते हैं, जो इन्होंने उस समय दिखाया था। बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक 2 की। साल 2019, 14 फरवरी, पुलवामा के CRPF कैंप पर, CRPF के जो दस्त जा रहे थे वहां पे, वो सड़क से जा रहे थे और वहाँ पे एक SUV आती है और एक बस से, जिसमें CRPF के जवान भरे होते हैं, उससे टकरा जाती है। 40 से अधिक CRPF के जवान मर जाते हैं। दोनों ही जो स्ट्राइक हुआ है, उरी का और इसमें, दोनों में ही लगभग जैसे मोहम्मद, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, UN ने इसे रिकॉग्नाइज कर दिया है, इस आतंकवादी संगठन ने हमले के तुरंत बाद इसकी जिम्मेदारी ली कि हाँ जी ये मैंने किया है। लेकिन ये जो जैश ए मोहम्मद है, इसके जो मसूद अजहर हैं, ये रहते कहाँ हैं? पाकिस्तान में। सीधा सा इसका रिलेशन है पाकिस्तान के साथ। भारत ने समझा, भारत ने बोला और हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही गंभीरता से बोला कि इसका जो परिणाम होगा वो भुगतना होगा, बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतना होगा, और हम जब स्ट्राइक करेंगे तो वो जगह भी हमारी होगी, वो समय भी हमारा होगा और वो जवान भी हमारे होंगे जब हम उन्हें मारेंगे। और वही हुआ। ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को हमारे एयर फोर्स के जो मिराज 2000 उड़ते हैं और उनके POK में, ये सिर्फ जो है, ऐसा नहीं कि LOC है, ये POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और वहाँ पे लगभग 200 से 300 लोगों को मार गिराते हैं। ये 200 से 300 लोग ये आतंकवादी थे जो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप ले रहे थे। और कहाँ कहाँ हमला होता है? बालाकोट में हमला होता है, मुजफ्फराबाद में हमला किया और चकौती में हमला किया गया। और ये बिल्कुल ही 21 मिनट में प्रिसीजन के साथ बम गिराए और निकल गए वहाँ से। और कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी डिवेस्टेशन हुई और जो भी टेरर कैंप थे बिल्कुल ही उसे ख़त्म कर दिया। तो ये बात थी सर्जिकल स्ट्राइक 2 की। अब देखिए, अब सवाल आपके मन में, जाहिर सा बात है, एक बात तो आएगी कि भाई ये जो हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक 1 की बात करें, 2 की बात करें, क्या मतलब क्या है, भारत को क्या फ़ायदा हुआ? भारत को तो एक इमीडिएट जो एक सेटिस्फैक्शन होता है वो होता है रिवेंज का, कि हमने बदला लिया। ये सबसे बड़ा जो है एक सेटिस्फैक्शन होता है किसी के लिए भी, कि आप तुरंत उसका बदला लें और तुरंत आपको उस बदले, जो भी आपके ऊपर जो अटैक हुआ है उसका बदला हुआ, और उससे आपको थोड़ी बहुत शांति तो मिलती ही है। ये तो एक इमीडिएट परिणाम है, लेकिन क्या इसका लॉन्ग टर्म क्या रिजल्ट है? बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। भारत को रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों में सफलता मिली। कैसे कहेंगे, अभी तक जो 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, एक भी इंटरनेशनल कंट्री ने, जो भी कंट्री है, किसी ने भी इसके बारे में, इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। हर किसी ने माना कि भारत को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, और अगर दुश्मन आपके यहाँ है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे भारत को दे दे, नहीं तो भारत अपनी रक्षा के लिए आपके घर में घुस के मारेगा। और वो एक, आप सब ने उरी फिल्म देखी होगी, इसका डायलॉग भी था, ये नया भारत है, यहाँ दुश्मन को घर में घुस के मारते हैं। वही हुआ, रणनीतिक सफलता मिली यहाँ पे। जवानों का मोरल है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये इमीडिएट एक सेटिस्फैक्शन है, एक मोरल है, होता है कि आप अगर हम पे हमला करेंगे उसका रिटेलिएट करेंगे और ब्याज जो होते हैं, इंटरेस्ट समेत हम आपसे वापस लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग किया। आपको मैंने बताया भी है काफ़ी बार कि FATF में इसको ग्रे लिस्ट दे दिया गया। अमेरिका, US से जो इसको ईयरली बिलियंस में सपोर्ट मिलते थे, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया कि पाकिस्तान जो भी टेरर कैंप चल रहे हैं उसको बंद करे, जो भी वहाँ मसूद अजहर या वहाँ के जो भी टेररिस्ट हैं उसके या तो गिरफ्तार करे, भारत को सौंपे। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अलग थलग करने की बात हुई है।
ये माना गया कि वो बातचीत वाला डिप्लोमेसी खत्म हो गया, एक्शन का टाइम है। ये भारत को फायदा हो रहा है कि अब दुश्मन जानने लगे हैं कि भाई पहले जो तुम अटैक कर जाते थे सब 26/11 किया तुमने हमारे ऊपर, जहां शहर शहर में बर्बाद किए, ब्लास्ट किए, हमने उसका जवाब नहीं दिया, जवाब मिलेगा और अब मिलना शुरू हो गया, एक्शन का टाइम हुआ है। भारत की पहचान अब एक सशक्त और टफ स्टेट के रूप में हुआ है। समझिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो पहले एक सॉफ्ट स्टेट के बारे में माना जाता है कि मित्रवत सबके साथ व्यवहार करना चाहता है, वो जो एक पहचान थी उस आइडेंटिटी को खत्म किया, अब बताया कि ये रिटेलिएट करने वाला देश है, ये टफ रिटेलिएट करने वाला देश बन गया है। और इंटरनेशनल लेवल पे सब ने माना कि भारत को अपना रक्षा करने का अधिकार है। तो ये सारा फायदा हुआ है। आपको एक और बात जान के होगी, जहां पे आपने पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप देखी होगी कि हमेशा दोनों साथ होते हैं, लेकिन इन दोनों ही सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चाइना ने एक बार भी नहीं कहा कि भारत को ये नहीं करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं चाइना ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ही इसमें भारत का साथ दिया है। तो ये सारा फायदा हुआ है भारत को। अब समझिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अचानक चेंज हुआ है स्टैंस में वो कैसे हुआ। साल है 2014, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो अपना NSA अजीत डोवाल को अपॉइंट करते हैं। और अजीत डोवाल का एक बहुत ही स्ट्रेटजिकली इनका एक अपना डेफिनेशन है कि एक स्टेट को कैसा होना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी बताई थी शुरुआत में ही। अभी बताता हूँ, उन्होंने बोला कि भारत को या किसी भी देश को अपने डिफेंस करने के लिए, अपने स्ट्रेटजी में बदलने के लिए तीन तरह का डिफेंस अप्रोच होता है। पहला होता है डिफेंसिव अप्रोच। डिफेंसिव अप्रोच क्या होता है कि आप भाई डिफेंस, आपके यहाँ लोग आतंकवादी आएंगे, आप उन्हें बॉर्डर पे रोक देंगे, मार देंगे, ये आपका डिफेंस है कि तुम आओगे मैं मारूंगा। लेकिन यहाँ तो एक बात है, अगर वो 10 बार आने की कोशिश करेंगे 9 बार मार गिराएंगे, 1 बार तो अंदर घुस ही जाएंगे, तो ये तो फुल प्रूफ नहीं है। दूसरी स्ट्रेटजी उन्होंने बताई डिफेंसिव ऑफेंस, डिफेंसिव ऑफेंस, और तीसरा बताया ऑफेंसिव डिफेंस। अब मैं इन दोनों में आपको समझाता हूँ। डिफेंसिव के बारे में बताया, डिफेंसिव ऑफेंस क्या है? डिफेंसिव ऑफेंस है कि हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए हम आपके घर में घुस के मारेंगे, अगर हमारे जो दुश्मन है वो आपके यहाँ छिपे हैं हम मारेंगे, यानी अपने आप को मैं बचाने के लिए मैं पहले आपको अटैक करूंगा। तो ये है डिफेंसिव ऑफेंस। ऑफेंसिव डिफेंस क्या है? ये जाने माने, जब भी मन करेगा मैं आपके ऊपर अटैक कर दूंगा, आप ऐसे ही डरे रहेंगे। लेकिन भारत ने ऑफेंसिव डिफेंस वाला रास्ता नहीं चुना, उसने चुना है डिफेंसिव ऑफेंस वाला। डिफेंसिव से हट गया, अब वो गया है डिफेंसिव ऑफेंस पे, कि अगर आप हमारे आतंकवादी जो यहाँ पे जुर्म करके भागेंगे, यहाँ पे कोई काम करके भागेंगे, हमारी क्षति करके जाएंगे, आपके यहाँ घुसेंगे, हम आपके यहाँ घुस के मारेंगे, तो ये जो एक अप्रोच आया है वो NSA के अजीत डोवाल के कहने से आया है। और तभी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को एक तरह से इन्होंने धमकी दी थी कि यू डू वन मोर मुंबई यू विल लूज ऑल योर स्टेट्स। तो ऐसा जो उन्होंने एक धमकी दिया था, अब वो आप अगर आप इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगी जब उन्होंने इन स्ट्रेटजी की बात कही थी तो वो कहना क्या चाहते हैं। तो ये आप सीधे सीधे आप इसको सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ सकते हैं कि ये डिफेंसिव ऑफेंस क्या है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आई होगी, ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या है, इस 1 और 2 में क्या अंतर हुए थे, इन दोनों में क्या हुआ था, और इन दोनों में जहाँ पे एक में आर्मी ने अपना मोर्चा संभाला था, दूसरे में एयरफोर्स ने संभाला था, एक में जो है लॉन्च पैड जो हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान में हमने उखाड़ा था, दूसरे में हमने LOC में उखाड़ा था, तो ये सारे अंतर मैंने आपको बहुत ही कोशिश किया कि आपको आसान शब्दों में समझा दूँ। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और देखते रहिए JagranJosh.com।